प्लीज नहीं यार, एक्स आ जा हाथ में, एक्स आ जा यार, टॉर्च क्यों आ रही है, एक्स आना प्लीज प्लीज। हे गाइस, वेलकम टू द माइनक्राफ्ट हार्डकोर एपिसोड। सो द मेन ट्विस्ट ऑफ दिस वीडियो इज आई डोंट नो हाउ टू प्ले माइनक्राफ्ट इन पीसी। मतलब मेरे को नहीं खेलना आता माइनक्राफ्ट को पीसी में, मुझे इसके कंट्रोल्स भी प्रॉपरली नहीं पता है, ऊपर से हार्डकोर है माइनक्राफ्ट में, तो मतलब अगर मैं मरा तो वीडियो एंड, समझ रहे हो ना। तो बस मेरे को कुछ भी करके मरना नहीं है, चाहे कैसे भी ये सीरीज कंटिन्यू करनी है या एपिसोड कंटिन्यू करना है, मतलब जिंदा रह के अगर मैं मरा तो ये वर्ल्ड डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, सीधा के सीधा वर्ल्ड डिलीट, चाहे मैं कितने भी वो कर लूँ, घर बना लूँ, आर्मी वगैरह बना लूँ, फिनिश, सब कुछ चला जाएगा एक ही बार में। तो हमारा मेन और सिर्फ इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि हमें मरना नहीं है। तो बस सब, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को प्रॉपरली इसके कंट्रोल्स नहीं आते हैं, कैसे खेलते हैं, तो मैं बस सीख ही रहा हूँ साथ के साथ। और ऊपर से मेरे को ये वर्ल्ड ही सीड बहुत बेकार मिली है, देख ही सकते हो मैं कहाँ पे हूँ, लिटरली एक आइलैंड है हवा में, ऑलमोस्ट हवा में ही है ये, मुझे नहीं पता यहाँ से मैं कहाँ से नीचे जा सकता हूँ, कोई एग्जिट ही नहीं है, और मेरे को ढंग से इसके कंट्रोल नहीं पता, तो स्नीक कैसे करना है, जंप मेरे को प्रॉपरली कंटिन्यूसली मैं नहीं कर सकता, तो ये एक प्रॉब्लम आएगी ये वर्ल्ड वीडियो कंटिन्यू करने में या इस वर्ल्ड हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज को कंटिन्यू करने में, जब तक मैं प्रॉपरली सीख नहीं जाता। तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हो, बस मेरा अभी के लिए नीचे जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं जगह ढूंढ रहा हूँ और मैं नीचे ना, बच गया, मेरे को लगा था जैसे मैं पूरा नीचे गिर जाऊँगा। तो अभी मैंने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तोड़ ली हैं, इससे मैं पिकेक्स बना लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं देख लूँ कहाँ तक है, मेरे ख्याल से पूरा टच कर ही रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाते हैं, डर्ट तोड़ते हैं। अब कॉबलस्टोन आ गया तो हाथ से तो तोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और मेरे को इसमें आता नहीं ढंग से, लकड़ी ले ली हैं, चार काफ़ी होती हैं अभी के लिए, पर अभी और चाहिए होंगी, जो कि स्टिक भी बनानी है, उसी के बाद तो पिकेक्स बनेगी ना। अरे यार ये क्या लगा दिया, फिर से तोड़ना पड़ेगा ये, और इसके बाद लगाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, जंप लगा, यहाँ से पिकेक्स बनाते हैं अब। कैसे बनेगी पिकेक्स, लकड़ियाँ ले ली हैं बहुत सारी, और हरी मिक्स क्यों जाती है लकड़ियाँ अलग अलग जगह पे, पता नहीं क्या चल रहा है भाई इसमें भी, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं इसके कंट्रोल। और फाइनली पिकेक्स बन गई, इतनी देर में तो मैं बेड रॉक में पता नहीं डायमंड्स भी ढूंढ रहा था, जितनी देर में मैंने अभी से पिकेक्स बनाई है। तोड़ते हैं अभी, अभी एक्स नहीं है तो अभी पिकेक्स ही लगाएंगे। चलो एडवांसमेंट में मिल गई है, कौन सी मिली है, स्टोन एज, ओके। बेड रॉक में मेरे को, बेड रॉक नहीं पॉकेट एडिशन खेला था, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि उसमें भी एडवांसमेंट का मॉड लगाना पड़ता था, खुद नहीं मिलती थी उसमें एडवांसमेंट, पता नहीं क्यों। नीचे जाते हैं, नीचे बस नीचे टच हो कुछ, मैं गिर गुरा ना नहीं, ओह ओह बच गया, ओह मैं बोला मैं डेड था, शिट मैन फिनिश था मैं, अभी अभी वर्ल्ड डिलीट हो जाता। चलते हैं अभी आगे, यहाँ से मेरे को खाना वगैरह भी चाहिए, यहाँ कुछ है, चलो इसे मारते हैं। अरे जोम्बिस की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जोम्बिस नहीं यार, इधर आना, उधर कैसे जाते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, और किधर मारूँ, चलो मिल गया, कितने जोम्बिस हैं यहाँ, कहाँ से सामान डाल गए, नीचे स्पॉनर तो नहीं है, अब मैं रिस्क नहीं लूंगा वहाँ जाने का। नहीं वहाँ जाते हैं, मेरे को पम्पकिंस दिखे थे वहाँ पे साइड में, तो वहीं पे जाता हूँ, और पम्पकिंस स्पॉन ऐसे नहीं होते, विलेज के आसपास होते हैं स्पॉन होते हैं, तो विलेज में जाते हैं, मिल जाए होपफुली कोई विलेज। कैसे चलूँ, चलो जंप जंप, विलेज मिल जाए कोई, यहाँ पे शीप है क्या, चलो बैट का तो हमारा जुगाड़ हो जाएगा, इस शीप को मार के मर जाए बस इजीली, मेरे टच क्यों नहीं होता, मेरे को समझ नहीं आ रहा, चलो हिट लगा, पता नहीं क्या हिट ही नहीं लग रहे, टच अबे लग जाए यार, कितने भाग जाती है बार बार ये, ये मर क्यों नहीं रही है, पिकेक्स नाइस ओके। अब मेरे पे वूल इतनी कुछ आई नहीं है, तो मेरे को एक और शिप को मारना पड़ेगा, और ऊपर से इनके उससे खाना भी मिल जाएगा, तो वो करके हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेन चीज़ें हमें सर्वाइव के लिए चाहिए,
और किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे इसकी फालतू वेब से मिल रही है, अभी उसका कोई काम नहीं है हमारा मेन। हमें अभी इन खान और ये ऑफ हैंड में भी चला गया। अरे क्या है इसके कंट्रोल्स, नाइस मर गए। मिल गए मेरे ख्याल से इनफ टीम बन गई होगी शायद, बाद में देखता हूँ, अभी नहीं देख रहा मैं। अभी मेन हमें सिर्फ विलेज ढूंढना है, विलेज ढूंढ लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। फिर से देखे मेरे को स्पॉन वाले बमकिन्स तो होने तो चाहिए, उसको हो सकता है इसके पार पड़े हों, क्योंकि अभी बीच में तो नहीं, कहाँ से कोई पहाड़ बना रखा है, कोई सेंस नहीं है इसका। चलते हैं ऊपर, पुलिस को सामने विलेज है, चलो जाते हैं। और ये लावा कहाँ से आ रखा है, मैं लावा को बिल्कुल अभी टच नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मरा तो स्पॉन नहीं होगा ऑब्वियसली। तो पर यार बीच में कहाँ स्पॉन, कहीं से भी निकल रहा है यार, छोड़ो लावा पूल भी नहीं है, बस बीच में से ही कहीं से निकला हुआ है लावा। जाते हैं अभी पानी में, डरा है कुछ लगे ना। अच्छा और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मेन यहाँ पे, हमें चेस वाला घर चाहिए तो फर्नेस वाला होता है मेरे ख्याल से वो, या फिर कोई और भी हो सकता है। पहले स्काउ को मारते हैं। नाइस नाइस, इतनी स्पीड से वहाँ कैसे चली गई, ये बेडरूम में तो आज तक कभी नहीं हुआ, ये देखने कितनी स्पीड से भाग गई। ब्रो स्पीड से कैसे भाग रही है ये यार, अगर ऐसे कोई सेटिंग्स है तो मेरे को बताना, मेरे को पता नहीं है, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने तो आज तक बेडरूम में ये देखा नहीं कभी। भी ऊपर भी चढ़ गई है, मारना तो उसे पड़ेगा ही ना, अब इतना डैमेज दिया है तो थोड़ा और सही। अब अभी कौन से वाले को मारा था मैंने, नीचे जाना पड़ेगा। मर जा मर जा मर जा, अबे कहाँ लग रहा है मार। नाइस चलो अब इसको नहीं मार रहा मैं, तो ये भी फुल स्पीड में भाग जाएगा, रहता हाथ बड़ा इंडिया मेरे पास। ये तोड़ते हैं हेबेल से भी बहुत सारा खाना मिल जाएगा, मेन तो हमें अभी सिर्फ सर्वाइव के लिए चीज़ें चाहिए। और मेरी पिकेक्स टूट गई, पता नहीं कैसे, अभी तो कुछ माइनिंग नहीं किया मैंने, पर 12-13 मेरे पे कॉपर स्टोन है तो मैंने ज़्यादा कुछ माइनिंग तो की नहीं। और ये घर होता है क्या शायद, नहीं इसमें कुछ नहीं होता, मैं ब्लास्ट फर्नेस में पड़ा होता है, तो किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे चेस्ट नहीं है यार, इतना बड़ा घर क्या बना रखा है, होटल टाइप यार, इसमें तो होना चाहिए था चेस्ट। क्या यार क्या बेकार विलेज मिला है, ठीक है स्पॉन वाली जगह पे विलेज मिल गया अच्छी बात है, पर एटलीस्ट मिले तो चेस्ट है, वरना किस काम का है। होपफुली इसमें मिल जाए चेस्ट प्लीज। अरे यार इसमें भी नहीं है, खाली हेवेल का क्या करूँ मैं, ऊपर है शायद कुछ ऊपर मिल जाए, ऊपर भी कुछ नहीं है, ऊपर भी गैलरी बना रखी है फालतू की। जाते हैं यहाँ से, कुछ नहीं है इस घर में भी, कुछ नहीं होता है, खाली एक बेड लगा होता है, टॉर्च लगा के बस। ढूंढते हैं कोई दूसरे घर, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं होता, मेरी बात चेक कर लेता हूँ खुद भी, नया पता ही था, खाली बेड यहाँ पे भी। टेबल्स तो बहुत सारा खाना, बहुत सारा मेरे को मिल गया चेस्ट वाले का, ले सुन इसको इसको मिल जाए, कैसा डर था भाई, क्या करूँ मैं ब्रेड का, सीरियसली नहीं यार, इस बेड का, बेड कह रहे सॉरी, इस ब्रेड का क्या करूँ मैं, ये ब्रेड में बहुत सारी ले सकता हूँ, इतने हेबल्स पड़े हैं बाहर, अनलिमिटेड ब्रेड, अनलिमिटेड तो नहीं मतलब 4-5 स्टैक तो इजीली, क्या करूँ मैं इस ब्रेड का, खत्म इस ब्रेड का यूज, और कुछ नहीं है, एटलीस्ट आयरन ही दे देते, कुछ डायमंड वगैरह नहीं भी दे सकते थे तो कुछ तो काम आता आयरन भी। अरे बहुत बेकार जगह मिली है। ओह मैन, तोड़ते हैं फिर से हेबेल, कुछ और तो मिल नहीं रहा, हेबेल ले चलूँ यहाँ से, कुछ तो काम लगा सर्वाइवल के, बाद में इनके सारे क्रॉप्स भी लेके जाऊँगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा यार, कुछ नहीं खाली छोड़ूंगा, एक चीज़ नहीं देनी मेरे को कोई भी ढंग की, तो मैं क्यों इनकी चीज़ें छोड़ कर। जल्दी जल्दी सारे हेबेल्स उठा लिए हैं मैंने, इस घर में भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता है, सामने भी क्ले वाला ही घर है, बीच में भी बहुत सारे हेबल्स है, ये भी ले लेता हूँ, क्योंकि तो मेरे को और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे काम का। क्या ये टूट के मिली हवा में ही रुक गई है, सामने वाला घर भी दोनों में, ओ हेबल्स के, ठीक है ठीक है, इस वाले घर में कुछ होगा, कॉल्ड्रॉन्स है बहुत सारे यहाँ भरे हुए, तो मैं जा कर नहीं पा रहा उस घर में, अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या कंट्रोल है यार इसके, अरे
वेवेल उठा ले, तुम डराया एकदम। अब जाते हैं इस घर में, खुल जाए घर, ठीक है। इस प्लीज प्लीज इस टेस्ट में कुछ मिल जाए, प्लीज कुछ ढंग का प्लीज। एमरल्ड एक, क्या करूँ मैं एक एमरल्ड का, सैडल दिए मतलब सर्वाइवल के लिए चीजें चाहिए यार, आयरन पिकेक्स ही दे देते हैं प्लीज। बहुत बेकार वर्ल्ड मिला है, बहुत बेकार जगह पे स्पॉन है, यहीं पे सोऊंगा मैं। अरे एक घर में एक बेड और तीन तीन कहाँ से आ रखे हैं, सोने नहीं दूंगा मैंने, मैं ही सोऊंगा इनको। कुछ लूटने दिए इन्होंने मेरे को, तो मैंने क्यों रहने दिया यहाँ पे। और एक और एडवांसमेंट मिल गई है एक ही दिन पे, सेकंड हो गया मतलब इतने के लिए तो। और हमने हार्डकोर, मतलब मैंने हार्डकोर में पहली बार पीसी में एक दिन भी सर्वाइव किया जिसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ से उनके सारे क्रॉप्स वगैरह तोड़ लेता हूँ, सीड्स वगैरह, मेरे को पता नहीं कॉन्टिन्यूसली कैसे तोड़ते हैं, मैं तो एक एक करके तोड़ पा रहा हूँ। और इन्होंने रैंडमली लगा रखे हैं, तो रैंडमली मिल रहे हैं मेरे को, जैसे कहीं पे कैरेट है, कहीं पे पोटैटो है, कहीं पे बीटरूट, कुछ भी लगा रखा है इन्होंने। कोई नहीं, हमें क्या मदद उठाने का मतलब है, चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, इस विलेजर को नहीं खाने देना, लेकिन क्योंकि मैं जैसे तोड़ूंगा ये सारा खाने का, जैसे कैरेट मैं तोड़ूंगा ना वो खाने को आ जाएगा ये लोग हमारे में, इसलिए इन्हें इसे नहीं उठाने देना, ये जाएगा फिर तोड़ूंगा। तो आगे तो आता नहीं, एक साइड उठा लिया, दूसरी साइड जाता है। पर यार आयरन गोलम नहीं मार पाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि मेरे पे कुछ है नहीं, टूल ही नहीं है इनको मारने का, ये टूट के नहीं रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट टूट जा प्लीज, ठीक है वो, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा तो समझ पा रहा हूँ। कॉन्टीन्यूसली पहली बार थोड़ा मैंने, कॉन्टीन्यूसली मैंने पहली बार किया है तो अचीवमेंट तो हो रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे ही करवा रहा हूँ मैं, नहीं तो बेडरॉक में तो मैं इजीली बहुत ही तेज कर लेता। मर जाओ मर जाओ, अबे कहाँ गई, छोड़ो यार आ गया, इतने में तो मैं यहाँ से उठा ही लूंगा। अभी यहाँ से थोड़ा कॉन्टीन्यूस उठा लेते हैं, कुछ करते हैं। बढ़िया, नाइस नाइस, लेट्स गो, बढ़िया यार, तोड़ रहे होते, मैं कॉन्टीन्यूसली तोड़ पा रहा हूँ, नाइस, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होने पर कॉन्टीन्यूसली तो मैं बहुत सारा तोड़ रहा हूँ। अब उठाते हैं यहाँ से, बहुत कुछ आ गया ना हमारे पास, ठीक, पर फालतू की चीज़ें फेंक देते हैं, और क्या है ये, किसी काम का नहीं अभी। और तो कुछ है ना, बाकी काम के अब चलते हैं, थोड़ा ढूंढता हूँ मेरे को। आगे तो पूरे फॉरेस्ट का एरिया ही लग रहा है, क्या कर रहा है ये विलेजर, मेरे को लगा क्रॉप लगा रहा, चलो कुछ नहीं लगाया इसमें। अब ये उठा लेते हैं, मैं इसको भूल गया क्या, हाँ शुगर केन, शुगर केन उठा लेते हैं, अभी पेपर बनने का बनाने के काम आता है, तो ये अभी उठा के ले चलते हैं, अभी जितने भी हैं उठा लिए, चलो अभी भी थे, ये भी खा लेते हैं, दो चार और बने, चार थे, चलो ठीक है, काफ़ी हो गए। अब यहाँ से थोड़े बहुत वुड तोड़ेंगे, और आगे आगे का एरिया भी मेरे को पूरा ही वही लग रहा है फॉरेस्ट, तो मैं अभी थोड़ी बहुत ही लकड़ी तोड़ूंगा, एक्स बना लिए मैंने उसके लिए, बट पूरा टाइम लकड़ी नहीं तोड़ेंगे, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो कुछ ढूंढते हैं जगह, और कुछ मिल जाए, क्योंकि तो बीच में भी हर जगह कुछ ना कुछ स्पॉन होता ही है, यहाँ से कुछ अच्छे लूट मिल जाए। जैसे मॉन्यूमेंट टाइप्स होते हैं, ओशन मॉन्यूमेंट होते हैं, मेरे को पता है उनको मॉन्यूमेंट नहीं कहते, बट थोड़ा बहुत सैंड का एरिया तो हो सकता है, हमें डेजर्ट टेम्पल मिल जाए, तो ढूंढ करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जाते हैं आगे। और ये अरे तेज क्यों नहीं होता, आगे का एरिया भी एक इस साइड खाली लग रहा है मेरे को, तो मैं इस खाली साइड एरिया को नहीं जा रहा, क्या मुझे जाना चाहिए, मेरे को नहीं समझ आ रहा। थोड़ा अभी फॉरेस्ट एरिया में चलता, हो सकता कुछ मिल जाए यहाँ पर, उसे क्या डॉग ही मिल जाए, डॉग को टेम कर सकते हैं। और कभी कभार वो विलेज के लिए पम्पकिंस भी फॉरेस्ट के एरियाज के बीच में स्पॉन हुए होते हैं, तो उसके लिए फॉरेस्ट के एरियाज में ही जाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत लकड़ी भी साथ के साथ मिलती ही रहेगी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। लकड़ी तोड़ लेता हूँ सबसे पहले तो यहाँ की, मैं जिसके लिए मैं हम आए थे यहाँ पे, और शीप में मिलती रहेगी, शीप मिली है सामने तो उसको भी लेता है, और मेरे ख्याल से मर जानी चाहिए एक बार में, प्लीज लेफ्ट हिट 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 जा, ओ लेट्स गो, पहली बार मारी मैंने एक बार में, काम आ रही, लग जा नाइस, अचीवमेंट तो पूरी हो रही है। अब कुछ मिले ढंग का तो कुछ फायदा भी है, नहीं तो कब तक तोड़ता रहूंगा मैं पेड़ भी, ले लेते हैं, नहीं तो
वुड्स आगे काम ही आनी है, वेस्ट तो नहीं जाएगी, ये ले चलते हैं। दिन का टाइम है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर रात के टाइम में जब तक तो हमें कुछ मिल ना जाए, ज़ॉम्बीज मॉब्स बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। क्रीपर जो सबसे बड़े पूरे माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो मिल गया कि वो तो मैं कहता हूँ माइन क्रीपर तो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, पता भी नहीं चला कब आगे उड़ के चला जाएगा। बहुत कम टाइम होता है जब हमें उसकी साउंड का पता चल सके, तब यहाँ से कॉल उठाते हैं। और होपफुली नीचे से मैं आयरन वायरन ले आऊँ तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट कॉल तो मिल ही गया, टॉर्च बनाने के तो काम आ ही जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अंदर तो बहुत अंधेरा है, इतने कोई मेरे को लाइट ऑन दिख नहीं रही है इससे, यहाँ तो और अंधेरा है, तो पहले टॉर्च बना लेते हैं हम, नहीं तो यहीं पे स्पॉन होने लग जाएंगे ज़ॉम्बी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और अगर एक से ज़्यादा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी मेरे को इतना पता भी नहीं इसके कि मैं कैसे मार पाऊंगा उन्हें, मतलब कीबोर्ड से मैं एक साथ ना इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को कि मैं आगे मूव भी कर सकूँ। स्केलेटन क्यों आ गया भाई, प्लीज प्लीज नहीं यार, एक्स आ जा हाथ में, एक्स आ जा यार, टॉर्च क्यों आ रही है, एक्स आना प्लीज प्लीज, नहीं नहीं तीन आता,